अब देखिए ये हमारा टेराकोटा जो नया डिजाइन करके आया है, टेराकोटा मिट्टी का उद्योग है बड़ा हमारा, जब से ये भारत में ये बहुत अगर देखा जाए उद्योग बहुत बड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्यमी इसमें बढ़े हैं, शिल्पकार भी मतलब शिल्प का अपना काम किए हैं। जैसे देखा जाए तो राज्य सरकारें इसमें, केंद्र सरकार राज्य सरकार इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, सहयोग मिल रहा है, मिल रहा है बहुत ज़्यादा। लोन वगैरह की क्या फैसिलिटी है? लोन तो देखिए इस समय अगर जो मौजूदा सरकार है हमारा, मतलब ये भाजपा की सरकार है, हम तो ये कहेंगे इन्होंने जो शिल्पकार सोचा नहीं था वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिए, चाक दिए, पगमील दिए। लोन तो पहले हमारे ख्याल से पहले बैंकों का चक्कर काटते थे लोग, सच्चाई यही है, लेकिन हम बैंक खुद चक्कर काट रही है कि आप लोन ले लीजिए, ये सबसे सराहनीय है। आज जो चाक है ये अत्याधुनिक मशीनें हैं जो उपलब्ध हो रहा है, हमको साधन मिल रहा है, साधन जब मिल रहा है तो हमारा ऑटोमेटिक है रोज़गार बढ़ा है, दुगुना हुआ है हकीकत में। आप तो देख ही सकते हैं हमारा कारोबार कितना डेवलप किया है। आपका सालाना टर्नओवर कितना होगा? हमारा लगभग में टर्नओवर सालाना 60 लाख का होगा, मेरे पास 40 से 50 वर्कर हैं, हम भी हमारे परिवार से लगे हुए हैं, हम लोग मिल के देख ही रहे हैं, आप बड़ा सा कारोबार है मेरा। तो आप करीब 40-50 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? जी एकदम, मुहैया करा रहे हैं जी। ये क्या रोज़ाना आप मतलब महीने में 30 के 30 दिन आप काम देते हैं? जी एकदम देते हैं, हम तो पूरा 12 महीने हम चाहेंगे तो हम कहते हैं बैठवे न करिए। आपके सिवा और कौन कौन लोग हैं जो काम? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमारे 7-8 गांव हैं जो हमारे सेक्टर एरिया में, गुलरिया पंचायत के अगल बगल औरंगाबाद हुए, गुलरिया हुए और भरवलियाँ हुए, एकला हुआ, हाफिज नगर हुआ, बूढ़ाडी हुआ और बालापार हुआ और पैदड़ी बाजार अशरकपुर है, ऐसे करके 7-8 गांव हैं जो बड़े पैमाने पर उद्योग का काम करती है, ये टेराकोटा का कारोबार। और इसमें बेसिकली कौन कौन सी जातियां हैं जो? देखिए जात की बात नहीं है, जो मेहनत कर रहा है ये कला के लिए रुचि रख रहा है वो वही है, जात तो इसमें सब लोग हैं। देखिए हम लोग ट्रेनिंग, हम लोग तो मास्टर ट्रेनर हैं, जैसे सरकार जैसे बोलती है आप कौशल विकास के माध्यम से इसको बढ़ाइए, तो हम लोग उसके माध्यम से जो शिल्पकारों को टेंडर निकाला मतलब देते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, जिसको इच्छुक होते हैं वो अपना आकर अब फॉर्म भरते हैं DIC जिला उद्योग केंद्र गोरखपुर के द्वारा, हम लोग को बताया जाता है कि आप लोग इन लोगों को सिखाइए, तो हम लोग सिखाते हैं, जो रुचि रखते हैं उन लोगों को हम लोग देते हैं ट्रेनिंग देते हैं। जी एकदम देते हैं। तो बाहर से भी कुछ लोग आते हैं आपके पास सीखने के लिए? जी जी एकदम, जो जो इसमें इच्छुक हैं चाहे गोरखपुर हो चाहे दूसरे जिले के हों, जो इच्छुक हैं आना चाहते हैं आ सकते हैं, उनको हम लोग बेहिचक बढ़िया हम लोग मेहनत करके उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। आप वर्किंग में भी बढ़ा है, सुविधा मिला है, पूरा मिला है सुविधा। तो आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे, किस किस तरह का शिल्पकला देखने को मिलती है? देखिए आप तो देख सकते हैं हमारे पास कम से कम 1000 वैरायटियाँ हैं, जैसे कराही है, दीपक है, हाथी घोड़ा में है, पालकी है, झूमर है, गणेश है, ऐसे करके इत्यादि बहुत सारे लक्ष्मी हैं, ये टेबल हैं, इस तरह के सारे बहुत सारे हैं, हम तो कितना गिना में, लेकिन कहां, आप तो कहां सप्लाई होती है? ये ऑल इंडिया होता है, सबसे ज़्यादा साउथ में जाता है। साल में देखिए थोड़ा हमारे लिए तो 12 महीना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जब दीपावली नज़दीक होता है दो से तीन महीने के अंदर जब दीपावली रह जाती है तो और तेज़ी बढ़ जाता है, इसलिए कि उसमें दीपक का जो रोल आता है हमारे दीपावली में दीपक का रोल ज़्यादा होता है, पूजा आ जाती है लक्ष्मी गणेश के, दीपक जलाते हैं, महापर्व है हमारा हिंदू का, तो उसमें महापर्व है ये हमारा दीपक का, तो इसके लिए वो दीपक सब लोग जलाते हैं, जो जलाते हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी आता है दीपावली में थोड़ा 2-3 महीना पहले से, और बकिया तो हमारा ये जो है उद्योग टेराकोटा का, ये 12 महीना हमको अगर बैठे ना तो हमको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ऑर्डर तो कोई कितनों प्रोडक्ट अपना बना लीजिए बिकता है, ये नहीं है कि वो बच जाए, कभी भी आप देख सकते हैं दीपावली के बाद तो किसी घर सामान नहीं मिलेगा। हाँ तो आप और सरकार ने अब तक जितना किया उसके बाद और क्या चाह है सरकार की ओर से, क्या करना? देखिए हम तो यही चाहेंगे सरकार ने जो हमारी हमको सुविधा दिया है चाक का,
इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया, पहले हाथ से चलाते थे। इलेक्ट्रॉनिक चाक का मतलब जहाँ हम पहले हाथ से चला के 5 बनाते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक से कम हम 10 बनाते हैं। और पगमील है जहाँ हम दिन भर माटी बनाते थे, दूसरे दिन काम करते हैं, आज दिन भर माटी अगर पगमील से बना दिया जाए तो हम 5 दिन काम करते हैं। तो ये सुविधा है। और हम चाहेंगे लोन का है, सब्सिडी देती है सरकार 25%, वो भी मतलब बिना गारंटी का 2 लाख तक, तो ये अच्छी बात है। हम लोग कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन मिल जाता है? देखिए हमारे टेराकोटा में अगर 2 लाख रुपया मतलब जो अपने हिसाब से ले लेते हैं, 2 लाख 1 लाख भी लेते हैं, कोई आवश्यकता है तो 10 लाख भी ले लेते हैं, 5 लाख भी है, जैसे हमारे पास तो 10 लाख तक हम ले सकते हैं। हमारा ओवरटर्न ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पूंजी का आवश्यकता ज़्यादा है, तो हम 10 लाख भी ले सकते हैं, लिए भी हैं। कैसे बिकता है, इसका रेट क्या है? रेट देखिए ये पीस के वाइज है, जो छोटा बड़ा मान लीजिए 4 इंची खाती है घोड़ा है ऐसे करके, तो जैसे साइज होती है उसके हिसाब से कम बेसी रेट लगाया जाता है। लगभग एक मिनिमम 4 इंची का, 4 इंची का मान के चलिए हमारा थोक रेट है 4 इंची का 35 रुपया हमारे घर से है। 4 इंची का हाथी का रेट 35 है, अगर 4 इंची गणेश बनाते हैं तो 50 रुपये का है। तो मूर्तियाँ का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, आज जो साइज जानवर होता है उसके हिसाब से हम 4 इंची 6 इंची ऐसे करके अलग हट के हम देते हैं। तो एक 4 इंची का हिसाब किताब अगर रखा जाए तो बाहर की जो कंपनियाँ आती हैं आपसे ख़रीदने के लिए, या फिर जो ख़रीदार होते हैं जो बड़े पैसे से खरीदते हैं, हाँ जो हमसे लेकर वोटर, उनका अपना क्या भाव होता है? देखिए वो हमसे 35 लेते हैं, तो मान लीजिए अहमदाबाद जा रहे हैं तो 35 हमसे लिया, किराया भाड़ा तो मान लीजिए 10-5 तो लगभग करेगा प्रति पीस के, 5 ही रुपया मानिए तो 40 हो जाएगा। अगला उस पर पेंटिंग करेगा, डेंट मतलब बनाएगा तो 40-50, तो उसके ऊपर जो उसका मुनाफा होना चाहिए 10-20 या जो भी रखे उसके ऊपर है, तो उसके मान लीजिए न्यूनतम तो 60 से कम बेचेगा तो चलेगा नहीं। जो हम लोग देख पा रहे हैं समान मूर्तियां जो दिख पा रही हैं, जी जी, उस पे भी अभी अन्य तरह की कई कलाकारियां होती है। जैसे हम लोग डिजाइन टेराकोटा में करते हैं, टेराकोटा ये लाल का मिट्टी का जो कलर हमारा जो कच्ची होती है वही हमारा टेराकोटा है। तो मिट्टी लाते कहाँ से? हम लोग ये पोखरे तालाब से होते हैं, जो आजू बाजू में पोखरे होते हैं उसमें हम मिट्टी लाते हैं। टेराकोटा आर्ट फॉर्म जो है ये गोरखपुर क्षेत्र का ही एक विशेषता है, और स्पेशली ये यहीं पे बनती है, यहीं का एक पहचान है। गोरखपुर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर के कुछ गांव हैं, 4-5 गांव हैं, उन गांवों में ये कलाकार हैं, शिल्प कलाकार हैं और मिट्टी से जुड़े ये शिल्प बनाते हैं। और खास करके पुराने ज़माने में जो त्योहारों में उपयोग होते थे, पूजा पाठ में हाथी घोड़े बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, फैशन आता गया और ये लोग तरह तरह की डेकोरेटिव चीज़ें ही बनाने लगे। खास बात इस जगह की ये भी है कि ये जो शिल्प है वो कहीं और नहीं पाया जाता, कहीं और नहीं बनता है, और पिछले साल ही अभी भारत सरकार ने इसे GI टैग दिया है, इसलिए इसकी कहीं चोरी भी नहीं हो सकती, कॉपी भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कुछ दिनों में इसके हालात कुछ सुधरे हैं, नहीं तो पहले बड़े ही कम स्तर पे लोग इसको जानते थे और जो चीज़ें थी व्यापार के रूप में, इनके प्रस्तार के रूप में ये सब चीज़ें कम होती थी। अभी कुछ दिनों से जब संवर्धन हुआ है, सरकारों का ध्यान इस पर गया है, तो लोगों ने ट्रेड बढ़ाने शुरू किए, ट्रेड फेयर में इन कलाकारों को ले जाना शुरू किया, प्रदर्शनियाँ लगाई, तो बाहरी देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग टेराकोटा कला के बारे में जानने लगे और फिर इसकी बिक्री दूर जगहों पर शुरू हुई। एक चीज़ इसमें कमी आई कि जो बड़े व्यापारी हैं तो उनको पहचान तो मिल गई, जो बड़े कलाकार हैं, लेकिन छोटे कलाकार अभी भी गुमनामी में जी रहे हैं, उनके पास अभी भी वो संसाधन नहीं मिल पाए हैं। बड़े कलाकारों को तो ठीक है जो बड़े स्तर पर बना रहे हैं, लेकिन जो छोटे कलाकार हैं, जो छोटे शिल्पकार हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात कि लोकल में जो ट्रेड है वो बिल्कुल नहीं है, लोकल में इस कला का जो प्रमोशन है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो देखने के लिए सरकारों ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका प्रसार किया है, इसका प्रचार किया है, लेकिन लोकल में जो गोरखपुर के क्षेत्र हैं यहाँ पे टेराकोटा का कोई प्रमोशनल कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिससे इन क्षेत्रों में लोग इसके बारे में ज़्यादा जान सकें और इसके बारे में जागरूकता बढ़ सके, लोग इस कला को सीख सकें। बाहर से तो लोग आते हैं, सीखते हैं, लेकिन लोकल में थोड़ी सी इस चीज़ की कमी रह गई है कि सरकारों की लोकल में जो ध्यान नहीं जा रहा है इस चीज़ को लेकर के।